ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर नीति आयोग के सदस्य और नेशनल कोविड 19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर वी के पॉल से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। डॉक्टर पॉल, मन में अब यही प्रश्न उठ रहा है, जब दिल्ली, मुंबई और बहुत से राज्यों के अंदर कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लगातार विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बहुत माइल्ड इन्फेक्शन है, उसके बावजूद भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अब इसमें ओमिक्रॉन के केसेस, डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे ज्यादा हैं या कोरोना का जो डेल्टा वेरियंट है या अल्फा वेरियंट है उसके मामले ज्यादा हैं? सबसे पहले तो हमें ये लेकर चलना है कि ओमिक्रॉन वायरस नया वेरिएंट है, वो एक महीने से ही सामने आया है और इसकी वजह से कह रहे हैं कि शुरुआत जो है वो साउथ अफ्रीका में हुई या अफ्रीका के उस पार्ट में हुई, लेकिन जैसे ही सिचुएशन आगे बढ़ी सारी दुनिया में, वेस्ट में खासकर कहना चाहूंगा, वेस्ट में, यूरोप में, यूके में, किसी हद तक कैनेडा, यूएस में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारे देशों में इसका प्रभाव देखने में आया कि एक सिचुएशन जो महामारी की थी, लिमिटेड केसेस आ रहे थे, वो सडनली बढ़ने शुरू, और विश्व में ओवरऑल जो सिचुएशन वो एक लेवल से बढ़कर दुगनी हो गई, एकदम से बढ़ोतरी हुई है कुल मिला, क्योंकि इन सब देशों में बहुत सारे केसेस बढ़े और इस नंबर की तादाद से बढ़े जो कि पहले के नंबर को भी कई जगह पे क्रॉस कर दी। तो पहला मैसेज हम सबके लिए ये है कि हम विश्व में चल रही कोविड की महामारी के हिस्सा से क्या है, और अगर ओमिक्रॉन इतने जोरों से बढ़ा है तो हम उसका हिस्सा बन चुके हैं और हमें आगे भी इसको लेके जो हमें काम करने हैं, अपने आप को बचाना है, देश को संभालना है, ये सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी। दूसरी बात आती है कि देश में ओमिक्रॉन का प्रभाव इस तरफ से कैसा कैसा दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि हम ओमिक्रॉन को फेस कर रहे हैं। आपने देखा होगा, हमने बताया, एक केस आया, कुछ और आए, फिर कुछ और आए, एक ही से ख्याल रहे कि ओमिक्रॉन का तब भी पता लगता है जब हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग करते हैं, वो रूटीन आरटीपीसीआर या रूटीन टेस्ट जो कहते हैं उससे नहीं पता चलता, आगे फिर जाना पड़ता है। जब वो टेस्ट होते हैं और वो असाधारण लेबोरेटरी में होते हैं, छोटी आम लेबोरेटरी में नहीं है, तो उसमें हम सारे के सारे जितने केसेज आ रहे हैं, मान लो 20,000 केस हैं या अभी हफ्ता पहले 6,000, उन सबको टेस्ट नहीं कर पाते, हम उनमें से कुछ को ही उठाते हैं और फिर टेस्ट करते हैं और तब पता चलता है 2-3 दिन के बाद। तो अभी जो पिक्चर इमर्ज हो रही है, सामने जो आ रही है, उसमें एक दो चीजें साफ है कि एक, ओमिक्रॉन आ चुका है हमारे देश में, दूसरा कि ओमिक्रॉन बढ़ रहा है। हम दिल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास डेटा है दिल्ली से, दिल्ली में बहुत स्केल पे जीनोमिक सीक्वेंसिंग हुई और उसमें हम देख पा रहे हैं कि लगभग 50% जो केस रिसेंट पिछले हफ्ते में निकल के आए वो शायद ओमिक्रॉन की वजह से थे, बाकी जो थे वो डेल्टा के। इसी प्रकार हम एक्सट्रापोलेट करने की कोशिश कर सकते हैं कि जहां पैंडेमिक बढ़ी है, महामारी बढ़ी है, नंबर बढ़े हैं, इन पर्टिकुलर मुंबई में एक एग्जांपल ले लीजिए, तो वहां भी ओमिक्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाएगा या बढ़ रहा है, और ये संभावित ही था, ये होना ही था, ऐसा ही हम मान के चलते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो वायरस वेरियंट आते हैं और पॉपुलेशन में एंटर करते हैं तो हमें उससे सामना करना पड़ता है। हाँ, हमारे हाथ में ये जरूर है कि जितना बढ़ने की ये क्षमता रखता है उसको हम रोक पाए, और कैसे हम रोक पाएंगे, अपनी मेहनत है, लेकिन किसी वेरिएंट को आज के टाइम पे रोक पाना कि देश में एंटर ना हो, ये असंभव है, और सब देशों में गया है। तो ओमिक्रॉन का प्रभाव आया है, ओमिक्रॉन के केसेस उस वजह से बढ़ रहे हैं, जो बढ़ोतरी हो रही है दिल्ली या बड़े शहरों में, राज्यों में भी, तो ये दिखाई दे रहा है कि उसमें डेल्टा जो कि पहला डोमिनेंट वेरियंट था, अब धीरे धीरे ओमिक्रॉन उसको डिस्प्लेस कर रहा है, ओमिक्रॉन उसके ऊपर हावी है। डॉक्टर साहब, अगर विदेश यात्रा से लौटने वाले कोई भारतीय है या फिर कोई विदेशी है वो ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए जाते हैं, तो यहाँ आइसोलेशन या क्वारंटीन का जो प्रोटोकॉल है, क्या वो डेल्टा वायरस जैसा ही है या कुछ अलग है? एक तरह से कहना चाहिए कि सेम है, क्योंकि अगर हम बाहर से आने वाले व्यक्ति में आरटीपीसीआर करें, ठीक है, वो हम कर नहीं रहे थे जब कम केसेस आ रहे थे, लेकिन उसमें डेल्टा पाया जाता तो भी वही एडवाइस होती कि आप घर में रहिए, जब तक आप नेगेटिव नहीं होते तक आप घर में रहिए, नहीं तो अपना 10 दिन का क्वारंटाइन जो है, या पहले हम 14 दिन का कहते थे, उसको पूरा कर लीजिए ताकि आप संक्रमण से हट चुके होंगे। वो जो हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के प्रिंसिपल है वो अप्लाई हो, तो हम रूटीन में टेस्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें डेल्टा की जो सिचुएशन थी वो मालूम थी,
हम कोशिश ये कर रहे थे कि ओमिक्रॉन जो है वो कम से कम देश के अंदर एंटर हो, भी पता चले कि इसका प्रभाव हमारे ऊपर कितना बढ़। तो इनको लेके जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स थे उनकी टेस्टिंग हो रही थी, और क्योंकि ये नया वेरिएंट था उनको फिर ये कहा जा रहा था कि आप अगर पॉजिटिव हैं तो आपको हम इस तरह से आइसोलेट करेंगे, और अगर आपका टेस्ट करके हम टेस्ट की वेट कर रहे हैं तो आप होम क्वारंटाइन होंगे। तो उसमें बहुत ज्यादा और उसमें थोड़ी तब्दीली भी आती गई टाइम के साथ साथ, और बेसिकली प्रिंसिपल ये है कि अगर आपने संभावित इन्फेक्शन है तो फिर आप घर में रहते हो जब तक कि आप नॉर्मल और नेगेटिव डिक्लेयर नहीं हो जाते। अगर आपने ऑलरेडी इन्फेक्शन है, चाहे डेल्टा की है चाहे ओमिक्रॉन की है, तो फिर तो आपको एक फॉर्मल तरीके से आइसोलेट किया जाता है। डॉक्टर, ओमिक्रॉन के मामलों में, ओमिक्रॉन के केस में क्वारंटीन या आइसोलेशन का पीरियड कितना माना जा रहा है? हम इसको अभी 7 दिन का क्वारंटाइन पीरियड रख रहे हैं, और इसके साथ में ये भी कंडीशन है कि आपने टेस्ट कराना है ताकि वो टेस्ट नेगेटिव आए, और उस रिपोर्ट के आधार पे ही फिर आपको नॉर्मल तरीके से आप अपना आचरण करें, उसके लिए ओके किया जाए। डॉक्टर साहब, अब जब बच्चों का टीकाकरण शुरू होने जा रहा है, ऐसे में कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या रहेगी? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो ही रहेगी जो आवश्यक रही है। आप कोविन पोर्टल पर जाओगे, जिस बच्चे का टीका लगना है उसका नाम एंटर करोगे, उसी तरह से ही आप एंट्री करोगे, कोई खास बदलाव नहीं है। अब कोविन आपको एक्सेप्ट करेगा, पहले अगर आप लिखते हैं बच्चे की उम्र की 17 साल है तो कोविन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अब जो है कोविन एक्सेप्ट करेगा। बेसिकली उसी पैटर्न पे होगा, सारे देश ने उस पैटर्न को के हिसाब से अपने आप को चिन्हित किया, और किसी मदद से किया या अपने आप किया, लेकिन बेसिकली वही प्रोसीजर है, कोई खास बदलाव नहीं। डॉक्टर साहब, बच्चे का कोई सर्टिफिकेट या किसी तरह का कोई आई कार्ड भी प्रस्तुत करने की जरूरत होगी? उसी प्रकार की, क्योंकि एज को चिन्हित करना जरूरी है, आइडेंटिटी भी जरूरी है, दूसरी डोज भी लगनी है, तो उसी प्रावधान में हम आगे बढ़े। डॉक्टर साहब, दिल्ली और मुंबई की आर वैल्यू पे बहुत चर्चा हो रही है आजकल। महामारी की शुरुआत के बाद ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि आर वैल्यू 2 से ज्यादा हुई है। हम आपके माध्यम से समझना चाहेंगे कि आर वैल्यू क्या है और महामारी में कितनी जरूरी होती है। आर वैल्यू या आर नॉट कहते हैं इसको, उसका तात्पर्य ये होता है कि एक व्यक्ति अगर किसी महामारी से संक्रमित है, केस में कि आप कोविड से संक्रमित हो, तो बेस्ड ऑन केसेस कितने बढ़ रहे हैं एक ज्योग्राफी में, एक एरिया में, उसके हिसाब से मैथमेटिकली ये कहते हैं कि एक व्यक्ति कितने और लोगों को इन्फेक्ट कर। तो ये जो बढ़ोतरी की दर है, वो पॉजिटिव केस आज कितने थे और आगे कितने हो रहे हैं, उस पर हम एक रेशियो निकल सकती है, जो रेशियो हमें ये बताती है कि एक व्यक्ति क्या अपने एक व्यक्ति को इन्फेक्ट करता है, तो इसका मतलब है कि एक एक करके ही है, तो टोटल ओवरऑल महामारी जो है वो उसी लेवल पे रही जो शुरुआत में है, क्योंकि एक ने एक को किया, एक ने दो को नहीं किया। लेकिन अगर एक व्यक्ति ने दो को इन्फेक्ट किया, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे केसेस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर पॉल, जिन लोगों ने दोनों डोज लगवा ली हैं, क्या उन्हें भी ओमिक्रॉन से उतना ही खतरा है जितना कि अगर किसी ने वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं लगवाई है? जिसने दो डोज लगा ली है उसके ऊपर जब ओमिक्रॉन का प्रभाव होगा, तो ओमिक्रॉन की जो सीरियस समस्या होने वाली है उसके चांस काफी कम हो जाएंगे, ये एक पक्की बात। और इसीलिए सारी दुनिया भर में वैक्सीन लगना चाहिए। सबसे बड़ा बचाव है कि आपको दो डोज वैक्सीन के लगे हुए होने चाहिए, तो वैक्सीन जो है वो आपको सीरियस डिजीज से बिल्कुल बचाए, पहली बात। दूसरी बात है कि किसी हद तक इन्फेक्शन होने से भी बचाए। हमारे ये जो वैक्सीन है इन्फेक्शन होने का बचाव किसी हद तक कम करते हैं, लेकिन सीरियस बीमारी ना हो, बचे रहे और डेथ ना हो, इसमें खूब सारे कारगर होते हैं। तो वैक्सीन लगने से आपका बचाव है, इसमें कोई दो राय नहीं, खासकर सीरियस बीमारी से ये बचाएंगे। डॉक्टर पॉल, हमसे जुड़ने के लिए और इतने विस्तार से ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस के बारे में हमारे श्रोताओं को जागरूक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर नीति आयोग के सदस्य और नेशनल कोविड 19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर वी के पॉल से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।